जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाणी पीसीएस एकेडमी पे। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोग 8 से 10 फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित जो है जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, उनको देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे जैन धर्म के इतिहास से संबंधित कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। तो जिसमें अयोध्या की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इससे पहले हमने भी एक वीडियो में चर्चा किया था अयोध्या को लेकर कि अयोध्या में जो है 5 प्रमुख तीर्थंकरों का जो है जन्म हुआ था। उन तीर्थंकरों के बारे में हम लोग जाने थे, तो इस वीडियो में हम लोग भी देख लेते हैं उनको भी, जिससे रिविजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर जिसमें जो है ऋषभनाथ है, ठीक है, इनका जन्म अयोध्या से संबंधित है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ है, इनका भी जन्म जो है अयोध्या से है। चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन है, इनका भी जन्म जो है अयोध्या से संबंधित है, ठीक है। पांचवे तीर्थंकर जो है सुमितनाथ है, इनका भी जन्म जो है अयोध्या से संबंधित है। उसके बाद 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जो है, इनका जन्म भी जो है दोस्तों अयोध्या से संबंधित है, ठीक है। अब बात करें और जैन धर्म से कौन कौन से स्थल जो है संबंधित है, इनमें अगर हम बात करें तो इनमें काशी दोस्तों वाराणसी, ठीक है, वाराणसी से 2 जैन धर्म के संत जो है संबंधित यानी तीर्थंकर संबंधित है, जिसमें 7वें तीर्थंकर है सुपार्श्वनाथ, इनका जन्म जो है या संबंध जो है काशी या वाराणसी से। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, ठीक है, इनका भी जन्म दोस्तों जो है बनारस या वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। अगला देखें तो कौशाम्बी जो है जैन धर्म का एक प्रमुख स्थल है यानी तीर्थंकरों से संबंधित है, जिसमें 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु द्वारा जो पद्म प्रभु का जो संबंध यहां से संबंधित है, कहां से, कौशाम्बी से। श्रावस्ती से बात करें तो 3रे तीर्थंकर शंभोनाथ जो विख्यात शोभनाथ मंदिर है दोस्तों, यहां श्रावस्ती से संबंधित है शंभोनाथ यानी 3रे तीर्थंकर की, ठीक है। अब बात करें देवगढ़ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता होगा, जहां विष्णु का जो है दशावतार मंदिर है, ठीक है। यहां की बात करें तो ये देवताओं के किले के रूप में विख्यात है, क्या दोस्तों, देवगढ़ जो है देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। यहां से बात करें साक्ष्य के रूप में तो प्राचीन जैन मूर्तियां और शिल्प कला से संबंधित जो है साक्ष्य देखने को मिले हैं। महोबा की बात करें, महोबा दोस्तों महोबा का एक स्थल है जो गोखार पहाड़, जिसे हम लोग गोखार पहाड़ कहते हैं, वहां से 24 जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं उन सभी तीर्थंकरों की प्रतिमा देखने को मिली है। अगला देखें तो कांकड़ी दोस्तों, कांकड़ी एक स्थल है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से 9वें तीर्थंकर जो है सुबिधिनाथ, जिसे हम लोग पुष्प दंत भी कहते हैं, इनका निवास स्थल जो है था कांकड़ी। दोस्तों कांकड़ी कहाँ पड़ता है, तो यह देवरिया में पड़ता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देवरिया की बात करें तो देवरिया जो है गोरखपुर से सटा हुआ एक उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है, पूर्वी जिला जो बिहार से सटा हुआ है। एक और स्थल की अगर हम लोग बात करें तो सोहगौरा है, ठीक है, सोहगौरा कहाँ पे है, तो गोरखपुर में है। यहाँ से दोस्तों मौर्य काल के जो है ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं, इस ताम्रलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पे जब दोस्तों आकार पड़ता था तो यहाँ के शासक द्वारा जो है जितने भी गरीब जनता थे उन सभी को जो है अनाज का वितरण किया जाता था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से 5 महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में, जैसा कि हम हर वीडियो में देखते हुए आए हैं, ठीक है। इसमें एक फैक्ट है दोस्तों प्रयागराज में अशोक का स्तंभ लेख है, ठीक है, अशोक का स्तंभ लेख है। यहाँ से दोस्तों एक जो है राइटर या कवि है हरिशेर, इनके द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति नामक एक लेख उत्तीर्ण किया गया, किसमें, अशोक के स्तंभ लेख में, ठीक है। यह जो है किससे संबंधित है, यानी हरिशेर पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कवि किसके काल से संबंधित है, कभी मिलाने को लेकर पूछ लेता है, और जो है कभी जो है पूछ लेता है सीधे सीधे प्रश्न की बताइए समुद्र गुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन से कवि थे, तो इसमें हरिशेर की बात करें तो हरिशेर दोस्तों समुद्रगुप्त काल से संबंधित है। समुद्रगुप्त की बात करें तो यह गुप्त वंश के जो है दोस्तों शासक थे। गुप्त वंश आप सभी को पता होगा कि 3री शताब्दी से यानी 3री शताब्दी से लेकर जो है 6वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी तक गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल थे, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण स्थल हम लोग देखते हैं जो है काशी महत्वपूर्ण स्थल है।
यहाँ से बात करें तो काशी का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, तो यह अथर्ववेद में जो है काशी का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो दिवोदास ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो महाभारत से जो है इसकी जानकारी मिलती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों गढ़वा। गढ़वा की अगर हम लोग बात करें तो यह दोस्तों प्रयागराज में है। प्रयागराज दोस्तों इसका पुराना नाम दोस्तों इलाहाबाद था, ठीक है। इलाहाबाद नाम किसने रखा था दोस्तों, तो इसको अकबर द्वारा जो है इलाहाबाद की जगह जो है अल्लाहाबाद रखा गया था, लेकिन आगे देखें तो इसका टूट फूट रूप मिलकर जो है इलाहाबाद बन जाता है। बात करें गढ़वा प्रयागराज से कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कंदगुप्त के दोस्तों एक शिलालेख देखने को मिले हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण स्थल की हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण स्थल है भीतरी का स्तंभ लेख। यह कहाँ पे है दोस्तों, तो भीतरी का स्तंभ लेख दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है भीतरगांव। भीतरगांव की बात करें तो यह कानपुर में पड़ता है। यहाँ गुप्त काल के जो मंदिर है वह ईंटों से संबंधित जो है मंदिर थे, ठीक है। भीतरी का स्तंभ लेख दोस्तों गाजीपुर में पड़ता है। गाजीपुर में दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आधुनिक काल में दोस्तों जो जिसे हम लोग ब्रिटिश काल के नाम से भी जानते हैं, वहां पे एक प्रमुख गवर्नर जनरल की जो है मृत्यु हुई थी, उसकी वहां समाधि है। तो उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वह कौन से गवर्नर है जिनकी जो है जिनका निधन या मृत्यु या समाधि जो है गाजीपुर में है, ठीक है। अगर बात करें गाजीपुर, यह पुष्यमित्र दोस्तों भीतरी के स्तंभ लेख से गाजीपुर में स्थित है। यहाँ से पुष्यमित्र सुम हुड़ो तथा स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यानी पुष्यमित्र सुम यह सुंग वंश का शासक है, ठीक है, और हुड़ तथा स्कंदगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन जो है भीतरी के स्तंभ लेख से मिलता है। यह कहाँ पे है, तो गाजीपुर में है। पांचवा साक्ष्य की हम लोग बात करें देवगढ़। दोस्तों देवगढ़ जो स्थल है यह जो है उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है वहां पे जो है अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पे स्थित है देवगढ़, ठीक है। जैसे ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, ये सब जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल के स्थापत्य एवं मूर्ति कला जो है देखने को मिले हैं देवगढ़ से। देवगढ़ कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों यह झांसी में पड़ता है, ठीक है। गुप्त काल मंदिर के साक्ष्य जो है, गुप्त काल मंदिर में बात करें तो दशावतार एक मंदिर है, यह भी दोस्तों देवगढ़ में ही पड़ता है, ठीक है। देवगढ़ यानी झांसी में ही पड़ता है। यहाँ से भारतीय मंदिर के निर्माण का जो है पहला उल्लेख उदाहरण मिलता है। और किस चीज का उदाहरण मिलता है, तो शिखर, यानी जैसे जो मंदिर बनते हैं दोस्तों, जैसे मंदिर हो गया, मंदिर के ऊपर जो शिखर बनता है दोस्तों, ये शिखर, ठीक है, इसी को हम लोग शिखर कहते हैं। इस शिखर का उदाहरण सबसे पहले गुप्त काल में जो है दशावतार मंदिर में देखने को मिला था। यह किस भगवान से संबंधित है दोस्तों, तो यह विष्णु भगवान से संबंधित है जो है दशावतार मंदिर, जिसे पालनहारी भी कहा जाता है विष्णु भगवान को, ठीक है। तो यह था हमारा उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।